सभी अपने स्थान पर हैं। आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय श्री कंवर पाल जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार, हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मंच पे ब्लॉक छछरौली के चेयरमैन श्री राजकुमार जी, वाइस चेयरमैन श्री सुभाष जी, जिला प्रधान सरपंच एसोसिएशन श्रीमती रीटा देवी, संदीप सिंह ब्लॉक प्रधान छछरौली, श्री विजय कुमार प्रधान प्रतापनगर, श्री ठाट सिंह जी प्रधान बिलासपुर, श्री जगमाल सिंह जी वाइस प्रधान जिला सरपंच एसोसिएशन, श्री गीताराम जी वाइस प्रधान, श्री नरेंद्र गोयल जी वाइस प्रेसिडेंट ब्लॉक छछरौली, श्री पवन कुमार कोषाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी, श्रीमती अलका देवी सरपंच बेगमपुर, श्री परवीन सरपंच बहादुरपुर, हमारे हमारे पूर्व वाइस चेयरमैन ब्लॉक छछरौली से श्री कालाराम जी, करूँगा श्रीमती रीटा रानी, श्री संदीप जी, श्री विजय कुमार जी ब्लॉक प्रधान प्रतापनगर छछरौली और जिला प्रधान से, कि वो माननीय मंत्री जी का भूखे देकर स्वागत करें। किया निशान चौधरी कंवरपाल जी, शिक्षा मंत्री। आज हम सब सरपंचों के बीच में पहुंचे हैं। मैं सभी सरपंचों की तरफ से छछरौली और प्रतापनगर सभी की सरपंचों की तरफ से मंत्री जी का यहां पहुंचने पर स्वागत करता हूं। और मंत्री जी से आशा करते हैं भी आज सरपंचों को कुछ ना कुछ दे करके जाएं। आप सभी का यहां पहुंचने पर धन्यवाद। धन्यवाद विजय कुमार जी। अब मैं जो ये सरपंचों से संवाद एक कार्यक्रम है आज का हमारा, तो उसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी पहुँचे हैं, तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों, आपसे रूबरू हों और अपना संदेश आपको दें। माननीय मंत्री जी, हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन मैं राजकुमार जी, वाइस चेयरमैन सुभाष जी और प्रतापनगर के हमारी चेयरमैन रीटा देवी जी, संदीप जी ब्लॉक प्रधान, विजय कुमार जी प्रधान प्रतापनगर, अच्छा विजय
हाट सिंह जी ब्लाक प्रधान बिलासपुर, जगपाल सिंह जी वाइस प्रधान सिछरौली, गीता राम जी वाइस प्रधान प्रतापनगर और नरेंद्र गोयल जी वाइस प्रेजिडेंट ब्लॉक छछरौली, पवन कुमार जी कोषाध्यक्ष और अलका देवी जी सरपंच बेगमपुर, प्रवीण सरपंच जी बहादुरपुर और उपस्थित सभी सरपंच साहिबान और हमारे वीडियो साहिबान एसडीओ एक्सीएन जी सभी हमारे अधिकारी। वैसे तो मैं पहले प्रोग्राम बना रहा था कि एक बार मिलने खिदराबाद का तो प्रोग्राम होगा था, लेकिन छतरौली का रहेगा और उसके बाद सेशन होगा, फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो आज की ये मीटिंग अपने जल्दबाजी में रखी। बहुत जल्दबाजी में क्यों रखी कि अभी सरकार ने डायरेक्ट पेमेंट काफ़ी पैसे डाल दिए सरपंचों के अकाउंट में नहीं है, वो एक ज्वाइंट अकाउंट है एस एन ए है ना जी साहब, उसमें पैसे डाल दिए और हमने आपको फ़ोन भी करवाया दिया था कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। अब सरपंचों ने अपना अकाउंट देखा तो अकाउंट में पैसे थे ही नहीं। अब सरपंच कहेंगे भी फोन तो आ गया मंत्री जी के यहाँ तक पैसे आ गए, हमारे पास यहाँ पैसा कोई आया नहीं। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक ली, हमें भी नहीं पता था वैसे कि ये SNA में डल रहे पैसे। तो फिर मुझे लगा कि जैसे मुझे नहीं पता तो पता नहीं सरपंचों ने भी कुछ नहीं तो पता होगा, 25% ने पता होगा, 75% ने पता ही नहीं होगा पैसे हैं कहाँ। और ये पैसे मार्च तक हैं, 31 मार्च के बाद ये लैप्स हो जाएंगे पैसे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी प्रयास यही था कि जल्दी जल्दी ये सारा पैसा आप खर्च कर दो। तो मेरा निवेदन ये है, मैं आपको कुछ 5-4 का गाँव का नाम ले रहा मैं आपके साथ ही। जैसे चूहड़ पर है, अभी सरपंच साहब का फोन आया नहीं, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है पंचायत में, तो वो लगे कहने पर कुछ तो डलवा दो, करा क्या। तो मैंने उससे कहा भी यार 1-2 लाख रुपये तो डाल ही दो, और क्या था सरपंच कह रहा हूँ पैसे नहीं है। 18 लाख रुपये है गए चूहड़ पर गए, बूढ़ के 16 लाख है गए, देवधर के 16 लाख है गए, जयधर के 20 लाख है गए, जयधरी के 12 लाख है गए, रायोड़ा के 15 लाख है गए, बेगोपर के 12 लाख है गए, दसौरे के 11.5 लाख, खिल्लोड़े के 14 लाख, किशनपुरा के 21 लाख, खिजराबाद के 27 लाख, ताजेवाड़े के 15 लाख। ये मैंने कार में बैठे बैठे लिखे, जल्दी जल्दी मगर लिखवाए थे, बताया तुम्हें कोई थोड़े बहुत सारों के तो बाद में बताओगे कितने। मलकपुर के 15 लाख, छछरौली के 52 लाख, डारपुर के 12 लाख, खदरी के 22 लाख, खारवण के 33 लाख, माटखेड़ी के 13 लाख, पंजेटों के 9.5 लाख, तारपुर के 16 लाख। मतलब इतने पैसे आ लिए जिसके आपने काम करवाने। तो मेरा निवेदन ये है कि जो छोटे काम है 2-2 लाख के, अब सारे के इतने पैसे नहीं है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ की बद्दी कम है, उनके पैसे 6-7-8 लाख भी होंगे। जो बड़े गांव हैं उनके पैसे जैसे छतरौली है उसके 52 लाख भी होंगे। ये व्यक्ति के हिसाब से पैसे डले हैं कि जितनी बारी बद्दी है लगभग 500 रुपये पर हेड के हिसाब से डले हैं। तो जैसे 10-12 लाख है, तो ये पैसे आपके पास है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि जो 2-2 लाख के काम आपने करने तुरंत अपना कर का और वो पूरे कर दो। जहाँ पैसे का बड़ा अमाउंट है जैसे 52 लाख है तो उसकी ई टेंडरिंग है, तो जो आपने जो भी करना जो काम वो फाइनल करके, क्योंकि 31 मार्च के बाद ये सारा पैसा लैप्स हो जाएगा। तो मेरा निवेदन ये है कि हम इसको जल्दी से सारे के सारे काम कर लें। आज की मीटिंग मैंने सिर्फ इसी करके बुलाई थी कि भी पता नहीं शायद आपको, तो मेरा एक तो वीडियो साहब से रहेगा कि इसकी पूरी जानकारी बारीकी से देंगे और जो भी तरीका है ये पैसा आप किस तरीके से कितने टाइम में खर्च कर सकें, तो उसमें सारा का सारा पूरा सहयोग करके हम सरपंचों का पूरा सहयोग करें। अगर सरपंचों ने कोई भी जानकारी लेनी है नहीं तो वो BDO ऑफिस में आएगा, उसकी जानकारी ले लें और जानकारी ले के सारा का सारा पैसा खर्च करें। कोई इतराज तो नहीं इसमें है। एक आजकल एक बहुत बड़ी बात चल रही है कि भाई जो राशि है ना वो बढ़ दीजिए 2 लाख है तो उसके बाद ही टेंडरिंग कर दी। मैं भी थारे ही पक्ष में था, स्वयं मुख्यमंत्री भी गए कंवरपाल जी के पक्ष में, लेकिन अब नहीं हूँ, अब मैं दूसरी डब चला गया। क्यों चला गया दूसरी डब, क्योंकि मैंने लगा कि वो दूसरी डब वाला तरीका सही है। दोस्तों कई बार मैंने लगा कि भाई हम करेंगे ठेकेदारी तो पता नहीं क्या पान फोड़ देंगे, कुछ नहीं। अभी तक जितने सरपंच हैं ना ये तो लोग बाहर कुछ ही करते हैं, जितने भी हम जनप्रतिनिधि हैं चाहे मैं MLA हूँ और चाहे तुम सरपंच हैं,
जिस दिन तुम ट्रैक्टर का कोठा बनाओगे ना उस दिन ही कहेंगे सरपंच ने पैसे खा लिए। ऐसा तो नहीं कहो कोई और ट्रैक्टर का कोठा नहीं बना रहा, सारे बना रहे मकान भी सारे बना रहे, ऐसा तो नहीं सारे सारे वहीं पड़े, सारा तरक्की कर रहे सारे लोग। अब मैं मंत्री बन गया तो मैंने मकान बना लिया तो लोग कहेंगे जी कुंवर पाल ने कोठी पहली, पर हमारे गाँव में जाकर देखो सारों ने ही पहली यार, वो तो मंत्री बने। मतलब ये जनप्रतिनिधि के साथ जुड़ा सौदा है। मैं दावे के साथ कह रहा कि 100 अगर सरपंच बने ना तो 90 सरपंच ऐसे ही जोड़ से घट्ट में जाएंगे, लेगा नहीं गए पंजी भी अपने जुम्मा कर्जा लेगा गए। ये एक प्रतिष्ठा का सौदा है, ये कोई पैसे कमाने का सौदा थोड़ी है। हम जितने भी हैं हमने पैसे खर्चे, हमने कोई स्वास्थ्य थोड़ी खर्चे पैसे के भी हम पैसे कमाओगे, हमने स्वास्थ्य खर्चे कि यार रिस्पेक्ट वास्ते पैसे खर्चे, चाहे वो कोई एमएलए बनो और चाहे कोई सरपंच बनो। तो मुझे ऐसा लग रहा कि जो ई टेंडरिंग हुई ना ये हमारे हित के काम है बहुत बड़ा। क्यों हित का है गया? जो मेहरबान है पहले सरपंच काम करावा था, अब सरपंच ने काम करा लिया तो उन्हें सारा पता जो जो होता सारा सारा होता। लेकिन इंक्वायरी किसकी होती? सरपंच की। और सरपंच एक ऐसा है, हम सारों की मारी आदत है ऐसी, चाहे मारने वाले चाहे हम जीतने वाले। जिस दिन मैं इलेक्शन हार गया ना मैं तो उतनी ही कापी ठह दूंगा राज करने वास्ते, क्योंकि मैं तो हार लिया और मैं तो सारा दिन इंटागिटता करूँगा कि कहाँ फंसागा सरपंच। और दे सरपंच की आरटीआई ले फलाना ले डिगड़ा ले सरपंच ने परेशान करने में लग रहा। तो सरपंच ने 5 साल इसी बात की होश नहीं आने देते कि आज इस बात की इंक्वायरी, आज इस बात की पार्टी बाजी मारी है उनकी है, अफसरों के लिए नहीं पार्टी बाजी है उनकी, अफसरों को तो कुछ नहीं लेना देना उन्हें, पार्टी बाजी मारी गई क्योंकि इलेक्शन तो हम जीते ना। तो 5 के 5 साल हम नहीं होश आने देते जो कि सरपंच बढ़ गया वो काम तो क्या करना था उसके ऐसे गेड़े कटवा दें जो काम कुम करना तो भूल जाओ, सारा दिन उसकी जवाब देता रहे। अब हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं, काम तो हमारे कहे तो होगा, 20 लाख के काम हम फाइनल करेंगे कि ये काम होगा, उस काम ने हम फाइनल करेंगे, उसके बाद हम उसका टेंडर करेंगे, उसकी जांच का राइट भी मेरे पर ही है, मैं ही देखूंगा काम ठीक हो रहा है नहीं रहा, सारे राइट मेरे वैसे के वैसे, सिर्फ मैंने ई टेंडर कराया। ई टेंडर करने के बाद मुझे क्या फायदा क्या? मेरी इंक्वायरी तो नहीं रही, इंक्वायरी होगी ठेकेदार की या इंक्वायरी होगी जेई की जोड़ा चेक करने वाला, दोनों इंक्वायरी अधिकारियों की होगी, मेरी इंक्वायरी खत्म है। तो मेरा निवेदन यह है कि ये 100% कतई मारे सरपंचों के हित का मामला है, खिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल उसी तरीके का व्यवहार रहा जैसे हमने कहा था कि हम किसान को डायरेक्ट पेमेंट करेंगे। तो लोगों ने कहा यार हमारा तो चोली दामन का साथ है, हम खान लग रहे हैं हम नहीं चाहिए डायरेक्ट पेमेंट, आप आड़ती तो हम तो आड़ती बदल लेंगे, क्योंकि आड़ती तो हमारा बैंक है किसी टाइम भी जाकर पैसे ले लें। अच्छा ईब हमने डायरेक्ट कर दी, ईब क्या लग रहा? अच्छा या खराब होया? इन किसी किसान से पूछ लो बोले ठीक है क्या भाई मेरे पैसे, मैं उसमें भी आड़तियों के पक्ष में था, मैं अपनी अकल की बात कर रहा, मैं आड़तियों के पक्ष में था जी, आड़तियों तो ही दो पेमेंट। लेकिन एक दिन मुख्यमंत्री जी के पास बैठा था, मुख्यमंत्री लगे कहने पर गेहूँ किस बदल ली, मैं किसान बदे तो पैसे किसते देने चाहिए, किसान भी देने चाहिए, चीज उस बदल ली तो पैसे तो उसते देने चाहिए। बोले आड़ती तो बीच का आदमी था, आड़ती ने तो हमारा सौदा करवाया, कागज भरे फार्म भरे तो गेहूं का मालक थोड़ी बढ़ गया आड़ती यार, गेहूं तो किसान की ऐसी बात तो ठीक है। और उसके बाद आपने मेरे बयान देख लिया, मैं सारा सारा उसके पक्ष में ही बोल रहा सारा सारा, और मैंने कहा कि भाई इससे किसान जो है वो मजबूत स्थिति में आ जाएगा क्योंकि पैसे उसकी जेब में आएंगे ना। अब वो आड़ती का ब्याज भी कम करवा सका, खाद का रेट भी कम करवा सका, पेस्टिसाइड का रेट भी कम करवा सका जिस दिन देने जाएगा, क्योंकि पैसे उसकी जेब में पड़ रहे, पहले पैसे आड़ती की जेब पड़ रहे थे, अब वो खाली खड़ा था, वो कह था मेरे पैसे मेरे पैसे दे दो, अब वो मांगने वाला गया देने वाला बन गया, तो स्थिति में एकदम बदलाव आएगा। लेकिन आपने देखा कितना विरोध है, आप सारे सारे उसके पक्ष में। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप काम करो और उसके बाद 1 साल के बाद आपको ये स्वयं महसूस होगा कि हमारी जान बची। आप अगर इंक्वायरी होगी तो उस पढ़े लिखे आदमी की होगी जो खूब पढ़े लिखे यार, जिसने सारी बातों को बता, जिसने गड़बड़ कर रखा वही इंक्वायरी भुगतागा, हमारी जिम्मेदारी नहीं इंक्वायरी भुगतने की। हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ इतनी है कि हम चेक करेंगे, अगर वो काम गलत कराएगा उसने 3 इंच गटका डालना तो सरपंच जाएगा चेक करेगा, भाई 3 नहीं डाल दे तो 2.5 डाल देना, 3 डाल भाई तो 8-1 का सीमेंट लगाना तो 8-1 का ही लगावेगा, ये मेरी जिम्मेदारी मैं देख कर डालूंगा, 8-1 का लगाओ तो ये जो काम करना तो यही काम करेगा, क्योंकि ये मापदंड है, उन मापदंडों को चेक करने की जिम्मेदारी फिर भी सरपंच की है, देख देख में सरपंच की होगा। तो मेरा निवेदन है कि अब ये विषय सरपंचों का ना रहने के बजाय ना मेरे मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल बढ़ गया,
कई बार हम कोई आदमी पॉलिटिकल तो बना ले, लेकिन हम लगे रहें कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है, शायद तुम्हारे हित में मैं दावे के साथ कह रहा है कि जो नियम बना वो 100% किसानों के। अब आपकी समस्या क्या है, आज तो आप सारे पुरुष बैठे हैं, लेकिन तुम सारे सरपंच थोड़ी हैं, तुम तो प्रतिनिधि हैं, अरे 50% तो महिलाएँ हैं, हैं कि नहीं है। अच्छा, अगर एक इंक्वायरी किसी महिला की थारी हालत क्या हो, हम ये कहें चाहे साढ़ा एक किला जमीन का बिक जो, पर वही इसने रांद ने काट दे दी, यो मुझे तो चाहता हूँ अंदर भी ठोक दे, मुझे दिल भी खतरा नहीं, पर महिला नहीं कहीं भी जानेगी इंक्वायरी का, है कि नहीं समझी हालत यही। चाहे हमने 50% कर लिया, सारा कुछ है, महिलाएं बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है, पर ये बाल भी मारी मानसिकता यही है कि भाई अगर कोई इंक्वायरी होगी तो भाई मेरी गड़बड़ी जानेगी नहीं इंक्वायरी का, साफ सी बात। किसी तरीके से वीडियो जाएगा कि वीडियो साहब किसी तरीके से निपटा दे, चाहे सारा जर्मान नहीं भरवा दे मेरे पते, पर भाई यो काम मार पा होने के, अरे समाज के तीन सेफ हम। तो मेरा निवेदन है कि भी इसने काम ने, और बस मेरा आज तो स्पेशल मैं इस वास्ते ही आया कि पैसे काफ़ी अच्छे है, ठीक ठाक है पैसे, मेरा खल गया 5-6 लाख रुपये से लेके 52 लाख रुपये तक, ससुरली 52 लाख बढ़ा गया, तो ऐसे में 8-10 लाख तो औसतन सारों के ही पैसे हैं। तो ये 1-2 दिन में सारे के सारे प्रस्ताव पाएगा और सारे के सारे तुरंत ये काम शुरू कर दें, और जो टेंडर भी है जो कराएंगे वो भी 1 हफ्ते का, क्यों नहीं 2 लाख की तो है ही नहीं, 2 लाख से ऊपर भी है वो मेरा 1 हफ्ते का है, 1 हफ्ते में सारा का सारा काम हो जाएगा और वो काम चालू कर देंगे जल्दी, वो काम सारा सारा हो जाएगा। हाँ नहीं, अधिकार तो सारे सरपंच में ही है वैसे के वैसे, बस सिर्फ ई टेंडरिंग करी और कुछ नहीं है उसमें, वो थोड़ा सा कई बार ना जो चीज़ देखी नहीं होती ना उसका एक बहम सर हो जाए, पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे को कुछ इसमें रहा भी कि नहीं। अच्छा एक बार 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 सरते बताई दिया कि भाई नहीं रहा नहीं रहा, वो भी यार कई कई बता ऐसे ही सेक्रेटरी साहब भी बैठे, तो जो सारा का सारा पहले सेक्रेटरी भी आत्म था, वैसे पंचायत का मतलब था सेक्रेटरी और शासन सरपंच का शासन, प्रैक्टिकल जो सेक्रेटरियों का राज था सरपंचों का राज नहीं था, अभी वो सरपंचों का राज बढ़ने लग रहा, सेक्रेटरियों के हाथों से लिखने लग रहा है, सेक्रेटरियों का हाथ का राज नहीं रहनेगा, तो कई बार तो सेक्रेटरी भी गए तो इसे तो बड़े से गया, तो कई बार नहीं भी समझाते रहे, अब जब मरते समझावा तो फिर मारी समझा वैसी वैसी बात आन लग जाए। जनप्रतिनिधि आप हैं और देखो हम भी पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड हैं, हमने भी अगर डिवेलपमेंट करानी है तो हम भी डिवेलपमेंट आपसे ही करानी है, हम स्वयं मंत्री होते भी सीधी सीधी अपने आप नहीं कर सकते, हम चाहे 1 लाख खर्चा चाहे 50 लाख खर्चा, पर खर्च करने की ताकत थर पर है मार पर नहीं है, हम थर दे देंगे जिप जाएगा काम करना से, और जितना काम हो जाएगा तो जहाँ थारी जय जयकार हो जाएगी तो हमारी भी थारी गिल रही है, अगर काम ज़्यादा हो जाएंगे तो लोग मारते भी कह देंगे भाई ठीक है भाई सरकार बढ़िया है, और अगर काम कम होंगे तो ना सरपंच की होनी ना मारी होनी, तो उसमें तो आज इसी करके आप लोगों को बुलाया था, और आप मेरा हल्के बढ़ने के बाद वैसे तो मिले थे आप सारे सारे मिठाई का डब्बा दे गए थे, पर उन आज इकट्ठे में आते शायद पहली बार भी मिले, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई, और मैं अधिकारियों से एक बार कहूँगा कि थोड़ा सा डिटेल में इनको दोबारा बता दें क्या है, और मेरा निवेदन ये है कि इस हफ्ते में काम लग जाने चाहिए, इसी हफ्ते में जो छोटे काम है 2-2 लाख के हैं सारे के सारे शुरू हो जाने चाहिए, आपने 2-3-4 जो 2-2 लाख के काम करवाने 2 करवाने 3 करवाने 4 करवाने 5 करवाने जय करवाने 2-2 लाख के करके शुरू करो, और जो टेंडर करना फिर वो टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर गए, तो मैं समझता हूँ कि फरवरी के लास्ट तक अपने सारे काम पूरे कर लेने चाहिए, हमने ये नहीं सोचना थी 31 मार्च को लैप्स होंगे, 31 मार्च को छोड़कर हमने 28 फरवरी तक सारे के सारे काम हमने पूरे कर लेने चाहिए, और अगर 31 मार्च के बाद दोबारा पैसा होगा उसके बाद दूसरे काम शुरू करेंगे, तो आप सब का मैं वाली भी हूँ आप सब लोग आए, और मैं वीडियो साहब से कहूँगा थोड़ा बारीकी से और बता दें कुछ जानकारी आपके पास और होंगी क्या मार्गदर्शन करना जो भी सरपंचों को दो ताकि जल्दी ये काम, धन्यवाद। और मंत्री जी का और हमारे अधिकारियों का मैं स्पेशल रूप से इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने पूरा विस्तार से बताया, कुछ चीज़ों में भाइयों फर्क रह जाता है हमारे समझने और समझाने में, क्योंकि मेरे पास पार्टी की जिम्मेवारी है, पंचायती राज प्रकोष्ठ का मैं जिला का जिम्मेवारी है मेरे पास, और पिछले बार मैं चेयरमैन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष रहा हूँ वहाँ हरियाणा, तो पंचायती राज को नज़दीक से देखने का मुझे पूरा मौका मिला पिछले बार, और सेकेंड टाइम भी आ रहा हूँ, तो कुछ ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार अपने मुख्यमंत्री जी के साथ भी काफ़ी बार बैठे हम, तो एक मिनट जी सरपंच साहब आपके पास किसी का लगा था ना,
एमपी का आदमी लगा था ना, महाराज सितार लगा था ना। पिछली बार हम 90 एमएलए 10 एमपी है, किसी एमएलए का नाम बताइए ना, किसका लगा लगा पावर किसकी कम हुई, मारी ही ना किसी का लगा। ईद की बार फिर हम 100 ही हैं। एक एमपी का नाम बताइए ना, एमएलए का नाम बताइए, मंत्री का नाम बताओ, मैं तो मंत्री हूँ, मेरा नाम बताओ, बताओ कौन लगा, लगा किसी का नहीं लगता, मेरिट पर लगा। तो दुनिया में चेंज तो लेना पड़ा, अधिकार किसके खत्म हो रहे यार, अधिकार तो हमारे खत्म होने लग रहे हैं। मेरा लड़का लग गया सब इंस्पेक्टर, एक पर 40 रुपए नहीं लगे, एक स्पॉट। अब ऐसा नहीं, और आप छछरौली, छछरौली में भी अगर चेक करोगे तो छछरौली में भी आपको कम से कम 50 लड़के ऐसे मिलेंगे जो बड़ी पोस्ट पर लगे, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर लगे, जैसे अगर इंस्पेक्टर लगे, 50 पोस्टों पे बड़े अफसर लगे, और वह लगे जिन्हें कोई जानता ही नहीं, वह लगे जिन्हें गाँव में भी नहीं कोई जानता ठीक तरीके से, दिहाड़ी करा दो बापू, और वह लग गए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यार सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा, पारदर्शिता तो लानी पड़ेगी, फिर तो मैं भी लग जाऊँ खड़े पैर। मैं शिक्षा मंत्री हूँ, मैं 50,000 ट्रांसफर करने लग रहा, लेकिन एक ट्रांसफर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। एक सिस्टम बना दिया यार, इस आदमी की उम्र इतनी है इसके नंबर इतने लगेंगे, या महिला है इसके नंबर इतने लगेंगे, इसका रिजल्ट अच्छा है इसके इतने नंबर लगेंगे, या हैंडीकैप्ट है इसके नंबर इतने लगेंगे, वो सारा कंप्यूटर में फीड कर दिया, कंप्यूटर अपने आप ट्रांसफर करेगा। मतलब मैं मंत्री में ही नहीं ट्रांसफर कर सक रहा यार, मतलब सारा भाग मैं देखता हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से किसी ने इंजीनियर नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर फाइनल कराएगा कि भाई ये ऐसे हुआ। अब फायदा क्या उससे यार, मैं आपसे बताता हूँ, 96 में जब मैं रामविलास के पास जाऊँगा ना, तो 500 आदमी मेरे टाइम मिला थे, आधे ट्रांसफर होती ना, तो ट्रांसफरों की गठड़ियाँ ऐसे बनना जैसे बरसीडी बनना, मतलब 18 जिले थे उस टाइम, 18 गठड़ियाँ बदल रही थी, और 18 में जो ऊपर नोट खुल रहे थे, आप फिर ट्रांसफर कर दी, आ जावा कोई, ठीक है हवा हमारे पास 10-20 आदमी है दिन में, वो तो नहीं है, मतलब अगर सारा दिन इसी काम पर खड़े रहोगे फिर तो काम थोड़ी होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि पारदर्शिता यहाँ चलने लगी, ऐसा ऐसा सारे मान लगे, दुनिया में सारे में चेंज होगा, ऐसे कैसा ही सारा था। मैं थर एक बात इलेक्शन में सुनाया करूँगा कि एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में था भारत का, तो उस पर एमपी है गया, तो भारत का आदमी था, भारत के लिए तो एमपी बहुत बड़ी चीज़ होता नहीं, हमारा हमारा टेस्ट है ना पॉलिटिक्स में, हमारे पास एमपी है गया, हमारा स्वाद सा गया, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो आया तो बातचीत हुई, उसने बताया कि मैं आपका एमपी हूँ, भारत बड़ा खुश हो गया, उन्हें अंदर ले गया, कॉफ़ी कूफी पिलाई, वहाँ नहीं कोई कॉफ़ी कूफी कलाता है, मारे वाले नहीं पिलाईगा, जो ऑस्ट्रेलिया वाला तो नहीं पिला वाला, उससे कॉफ़ी कूफी कुछ नहीं, वो तो उससे कहता टाइम लेगा ये, वहाँ ऐसे ही रिवाज है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसा रिवाज भी हो सका। तो वो अंदर ले गया, कॉफ़ी पिलाई, खूब इज्जत करी, तो एमपी साहब लगे कह रहे कि मेरे लायक कोई काम हो बता दे, बोले काम तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा यहाँ भी ही हो जाएगा कि भी काम कुछ नहीं है, करवाने ने मेरे पर बताने का मेरे पास काम नहीं, मुझे पता सिस्टम में काम होना तो क्या कर देगा, अरे ऐसा ऐसा। अब आप एक बात देखो, आज आयुष्मान कार्ड बन रहा, मैं मंत्री हूँ, तम सरपंच हैं, बना सको किसी का ना, तम बना सका ना मैं बना सकूँ, मैं रोक भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता, मैं पेड़ा कार्ड बना भी नहीं सकता, रोक भी नहीं सकता, मतलब अपने आप एक सिस्टम में आएगा कि भाई ये गरीब है इसका बना ही बनेगा। अब ठीक है आपकी कुछ की शिकायत होगी कि कुछ गरीब ऐसे हैं जिनका गलत हो गया, कुछ अमीर हैं जिनका गलत हो गया, ठीक है गलत, लेकिन लग रहे ठीक कर, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा, क्या बात है, नहीं रहेगा वो सिस्टम मालिक जी। अब जो उसका राइट है गरीब का, अच्छा कई बार दिक्कत मैं कहूँ, मैंने थरते गया, थरते पैसे है गए, अपने थरते 50-50 लाख रुपये दे दिए यार, मेरा जी करता मैं देता ना पैसे थरते, अब है सारे खत्ते में यार, ये सिस्टम नहीं है क्या यार, 50 लाख रुपए है गए छतरौली खाते में, एक माड़ा भी लेगा, एक डब्बा भी मिठाई का लग गया, पैसे है गए। अब मैं कहूँगा साहब मैं मंत्री हूँ, मैं पैसे तो मेरे अकाउंट मेरे थ्रू जाने चाहिए थे, तो मुख्यमंत्री कहे तेरे पैसे थे, ना बोले किसके थे, मैं दिए थे, बोले दे दिए थे, इनके पैसे थे, दे दिए अपने आप काम करवाओगे, तो सिस्टम चेंज यार। तब मेरा नहीं सोच रहे कि 50-52 लाख रुपए छतरौली में दिए, ना कहीं नारा ना कुछ जैसे कार नहीं कुछ नहीं, 52 लाख रुपए देकर बैठे, तो आप चेंज नहीं समझ रहे, चेंज क्या लग रहा, कितनी पंचायत है जहां 10 लाख तो ऊपर ऊपर चले गए कि नहीं चले गए, कम से कम थारी थारी 60 कितनी पंचायत है टोटल जी।